हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, हम अपने करंट अफेयर वन लाइनर प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और स्टेट एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होंगे। इसके साथ साथ इनसे रिलेटेड उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसमें सबसे पहले, हाल ही में 8 मार्च 2022 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है और इस दिन को महिलाओं के मान सम्मान और उनकी उपलब्धियों के लिए इसे हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा हाल ही में नई दिल्ली में 9 मार्च से 11 मार्च के बीच पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन किया गया, जिसकी वजह से हाल ही में पूसा कृषि विज्ञान मेला चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड के द्वारा भारत का सबसे बड़ा व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र मुंबई में खोला गया, जिसकी वजह से हाल ही में मुंबई चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में श्रम मंत्रालय ने डोनेट ए पेंशन पहल शुरू की है, जिसकी वजह से हाल ही में श्रम मंत्रालय चर्चा में रहा है। इसके अलावा हाल ही में आर अश्विन कपिल देव का 434 टेस्ट विकेट का रिकॉर्ड तोड़कर दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। अब रविचंद्रन अश्विन से आगे सिर्फ टेस्ट क्रिकेट में विकेट के मामले में अनिल कुंबले हैं, जिनके नाम 619 विकेट हैं, जबकि भारत के दूसरी सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट देने वाले गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन बन गए हैं, जिसकी वजह से हाल ही में रविचंद्रन अश्विन चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत प्रशांत सैन्य स्वास्थ्य विनिमय सम्मेलन का उद्घाटन किया है, जिसकी वजह से हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में डॉक्टर इलाल लोर को मरणोपरांत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसकी वजह से हाल ही में डॉक्टर इलाल लोर चर्चा में रही हैं। इसके अलावा हाल ही में 6 क्रिकेट विश्व कप में भाग लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर इताली राज बन गई हैं, जबकि पुरुष क्रिकेटर की बात करें तो पुरुष क्रिकेट में 6 विश्व कप में भाग लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर हैं। इसके अलावा हाल ही में फिलिस्तीन में भारत के राजदूत मुकुल आर्य का निधन हुआ है, जिसकी वजह से हाल ही में मुकुल आर्य चर्चा में रहे हैं। इसके अलावा हाल ही में अमिताभ कुमार द्वारा लिखित पुस्तक द ब्लू बुक चर्चा में रही है। इसके अलावा हाल ही में प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना सीट्स पर रहा है। अब यहाँ पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य के मामले में तेलंगाना सीट्स पर रहा है, तो आप यहाँ पर तेलंगाना के बारे में बात करेंगे। तेलंगाना की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 2 जून 2014 को हुआ और यह आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना। इसके अलावा तेलंगाना की बात करें तो करेंट में यहाँ पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और गवर्नर तमिलसाई साउंडरराजन है। इसके अलावा हाल ही में भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास सिलिनेक्स का 9वां संस्करण विशाखापट्टनम में 7 मार्च से 10 मार्च के बीच आयोजित किया गया और इसका आयोजन 2 चरणों में किया गया, जिसमें पहले चरण में 7 से 8 मार्च तक बंदरगाह चरण और दूसरे चरण में 9 से 10 मार्च को समुद्री चरण के रूप में इसका आयोजन किया गया। इसके अलावा हाल ही में मेघालय आंतरिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई से सहमति वापस लेने वाला देश का 9वां राज्य बन गया है। अब यहाँ पर मेघालय चर्चा में रहा है, तो हम यहाँ पर मेघालय के बारे में बात करेंगे। मेघालय की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 21 जनवरी 1972 को हुआ, जबकि इसकी कैपिटल की बात करें तो मेघालय की कैपिटल शिलोंग है। इसके साथ साथ करेंट में मेघालय में चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा और गवर्नर सत्यपाल मलिक है। अब यहाँ पर सीबीआई की बात हुई है, तो हम यहाँ पर सीबीआई के बारे में भी बात करेंगे। सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यह भारत की एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसके अलावा सीबीआई की बात करें तो इसका फॉर्मेशन 1941 में हुआ। इसके साथ साथ करेंट में सीबीआई के जो एग्जीक्यूटिव हैं वो सुबोध कुमार जायसवाल हैं। इसके अलावा सीबीआई की बात करें तो सीबीआई का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है।
फ्रेंड्स, आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रकार के वन लाइनर हम आपके लिए आगे भी लाते रहेंगे। इस प्रकार के वन लाइनर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।